हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज एक बार फिर से मैं हूँ सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग हैं राजगढ़ में और मौसम थोड़ा ख़राब है, अभी क्लाउडी वेदर है। आज हमारा फर्स्ट डे है बर्डिंग का, तो अभी देखते हैं क्या मिलता है। ऐसे मौसम में यूजली बर्ड्स एक्टिव रहते हैं पूरा दिन, बट जब तक बारिश नहीं होगी तो ट्राई करते हैं क्या मिलता है। चलो, और टाइम है कोई सुबह के 6:30 और हम सब लोग रेडी हैं बर्डिंग के लिए निकलने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। ये तरन भाई अपना ड्राइवर, कैंट बंदा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजगढ़ की मार्केट में और रुके हुए हैं इस समय हम चाय के लिए। चाय पी के हम लोग फिर बर्डिंग के लिए निकलेंगे यहाँ से। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश बर्डिंग की, स्पेशली अगर आप सोलन या सिरमौर एरिया में प्लान कर रहे हैं आने का, अप्रैल मंथ में आपको यूजली यहाँ पे समर माइग्रेंट्स और रेजिडेंट बर्ड्स देखने को मिलेंगे, बट अगर किस्मत ने साथ दिया तो कुछ ना कुछ विंटर बर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हमारे आज के फर्स्ट बर्डिंग लोकेशन पे। आज के दिन का फर्स्ट बर्ड जो हमें दिखा, ये है यूरेशियन नटक्रैकर। ये मीडियम साइज़ का काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने वाला एक बर्ड है। राजगढ़ फर्स्ट टाइम आने वाले हर बर्ड की लिस्ट में इसका नाम ज़रूर रहता है, ऑल्सो नोन एज स्पॉटेड नटक्रैकर। अभी हम लोग फोटोग्राफ कर रहे हैं अल्ट्रामरीन फ्लाई कैचर। इस जगह पे हमें और भी काफ़ी सारे बर्ड्स देखने को मिले, जैसे कि वेरीगेटेड लाफिंग थ्रश, पिंक ब्रॉड रॉस फिंच, वेरीगेटेड फ्लाई कैचर। इस ट्रिप में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हमें मिले जिसके मैं वीडियोस नहीं ले पाया, तो उनके फ़ोटोग्राफ्स मैंने वीडियो के लास्ट में शेयर किए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग। अभी हम लोग जिस बर्ड को फोटोग्राफ कर रहे हैं, ये आज के दिन की सबसे स्पेशल साइटिंग है और अप्रैल मंथ के लिए बहुत ही अनयूजुअल साइटिंग है। इस बर्ड का नाम है फायर फ्रंटेड या फिर रेड फ्रंटेड सैरीन। ये बर्ड हमें आमतौर पे इस एरिया में दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ्स में काफ़ी अच्छी तादाद में देखने को मिलता है, बट इसको अप्रैल में यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लगा। इन सब के अलावा हमें वेरीडेटर फ्लाई कैचर काफ़ी अच्छे काउंट में देखने को मिले यहाँ पे।
इसके अलावा पिंक ब्रॉड रोज फिंच जो कि एक रेजिडेंट बर्ड है, उसका भी काफ़ी अच्छा काउंट इस ट्रिप में हमें देखने को मिला। आज की ओवरऑल बर्डिंग साइटिंग्स काफ़ी अच्छी रही, तो कल हम लोग जा रहे हैं सोलन बर्डिंग के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोलन और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन के लिए मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और फोटोग्राफर अभिषेक गौतम। अभी हम लोग फोटोग्राफ कर रहे हैं वाइट ब्रॉड स्किमिटर बैबलर जो कि आज के दिन की हमारी फर्स्ट साइटिंग थी और बहुत ही बढ़िया साइटिंग इस बर्ड ने हमें दी। व्हाइट ब्राउड स्किमिटर इस एरिया का एक रेजिडेंट बर्ड है, बट इसके शाई बिहेवियर की वजह से इसको फोटोग्राफ करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, बट आज इसने बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ हमें दी है। इस समय हमारे सामने बैठा हुआ है क्रिम्सन सनबर्ड। इस बर्ड ने हमें बहुत ही अच्छे फोटोज लेने का मौका दिया। इसके अलावा हमें इस जगह पे पर्पल सनबर्ड, ब्लैक बुलबुल्स, एक्सेंटर्स, बारबेट्स काफ़ी कुछ मिला जिनके फ़ोटोज़ मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश में बर्डिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।